नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब अगला हम सेशन लेके आ रहे हैं, पार्ट 7। ये सातवां पार्ट है। चूँकि अब अगला टॉपिक होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसे 6 पार्ट पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप उनको देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। पिछले ही टॉपिक में मैंने वैद्युत ध्रुव के बारे में बताया था और आघूर्ण के बारे में बताया था। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत ध्रुव को क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ध्रुव को उठाते हैं यहाँ से, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2L। इस फिगर के बारे में मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो आप रख दीजिए ऐसे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, एक समान होता है। यानी यहाँ यहाँ सब जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। उसे ही बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। और एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जो लाइनें होती हैं इनके बीच का डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होती है। इसलिए उसे हम प्रत्येक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र। तो अब माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है एक दूसरे से 12 दूरी पर होता है। जैसे ही हम इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये क्या करता है, घूमने लगता है। इसलिए ये घूमने लगता है क्योंकि ये माइनस क्यू है, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड। तो ये इस पर फोर्स लगेगा, एफ बराबर क्या लगेगा दोस्तों, क्यू ई। और इस पर भी फोर्स लगेगा क्या, एफ बराबर क्यू ई। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बाई क्यू जीरो होता है। तो इसलिए एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू ई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई। चूँकि जिस डायरेक्शन में बल लगता है उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। चूँकि यह प्लस है तो प्लस के डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, राइट साइड। इसलिए इस पर फोर्स भी किधर लगेगा, राइट साइड। चूँकि ये माइनस है और माइनस पर जो वैद्युत जो माइनस चार्ज होता है उस पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट लगता है। यानी वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, राइट साइड। इसलिए बल किधर लगेगा, लेफ्ट में। एफ बराबर क्या होगा दोस्तों, क्यू ई। इसका मतलब ये हुआ, कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर कोई आवेश प्लस क्यू है तो अगर इस पर बल, अगर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो बल का भी डायरेक्शन कहाँ होगा, राइट साइड। लेकिन अगर ये आवेश माइनस क्यू है तो फोर्स, अगर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन राइट है तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि प्लस आवेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही बल लगता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर जो होता है बल जो होता है वैद्युत क्षेत्र के क्या लगता है, अपोजिट लगता है। इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने देखा कि जब ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या करता है, घूमने लगता है। तो जब ये रोटेट होता है सबसे पहले ये क्षैतिज होता है, जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ये क्या होता है, घूमने लगता है। तो दोस्तों ये होता है, ये घूमेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, थीटा। तो यहीं एंगल मान लिया जाता है थीटा। तो चूँकि यही दूरी ले ली जाती है दोनों के बीच की, तो ये दूरी ले ली गई, तो ये 2L है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्योंकि आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो अब चलिए मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि आप समझ चुके होंगे इस फिगर के बारे में। तो फिलहाल हम आ रहे हैं यहीं पर, मैं फिगर पहले से ही बना चुका हूँ, उसी पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यह द्विध्रुव है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। इस पर प्लस एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। तो प्लस के डायरेक्शन में प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा E के डायरेक्शन में लगे, तो F बराबर क्यू ई। चूँकि यह माइनस क्यू है तो जो इस पर बल लगेगा E के अपोजिट लगेगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। इस तरीके से ये क्या करता है, रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। और आप देख भी रहे हैं कि एक फोर्स राइट लग रहा है, एक फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट। इस तरीके से ये घूमेगा, रोटेट करेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, आघूर्ण आता है। चूँकि घूमेगा तो आघूर्ण आएगा, लेकिन चूँकि यहाँ पर बलयुग्म की बात कर रहा है, बलयुग्म का मतलब पेयर में बल लगेगा, यानी एक राइट लग रहा है तो एक कहाँ लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है। और चूँकि जब एक ही
द्विध्रुव पर क्या लग रहे हैं, दो दो बल लग रहे हैं और दोनों क्या है, परिमाण में समान है लेकिन कहाँ लग रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो जैसे ही परिमाण में समान हो और विपरीत दिशा में लगता है वहीं पर आता है बलयुग्म, चूंकि यह घूम रहा है इसलिए क्या होगा, बलयुग्म का आघूर्ण। अब देखिए ये क्या होगा, जब घूमेगा तो एंगल थीटा बनाता है, जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और जैसा कि आपको पता है वेक्टर रूल से, अगर ये थीटा हो, अगर ये 12 है तो थीटा के डायरेक्शन में क्या होता है कॉस, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है 12 साइन थीटा होगा। तो इस तरीके से अगर ये 12 है तो ये वाली भी भुजा कितनी होगी, 12 साइन थीटा। तो वेक्टर रूल से भी तोड़ के निकाल सकते हैं, या आप ले लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 12 साइन थीटा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, 12 कॉस थीटा वर्टिकल 12 साइन थीटा, ये इसके बराबर होगा इसलिए ये वाली भुजा 12 साइन थीटा, तो ये भी क्या होगा, 12 साइन थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब देखिए जी, एक बल ये है एफ बराबर, क्योंकि मैं थोड़ा फिगर बिगाड़ रहा हूँ, आप इसको पीछे करें, और ये देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए, दो समांतर, एक बल तो हो गया और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये एक बल लेफ्ट में लग रहा है और एक कहाँ लग रहा है, राइट, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, 12 साइन थीटा। इस तरीके से एक बल क्या होगा, बल युग्म के आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, टाउ, टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 12 साइन थीटा, और एफ बराबर क्या होता है, क्यूई, फिगर से क्यूई। अब एक ब्रैकेट में लीजिए, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 12 और ई साइन थीटा, और क्यू इंटू 12 को क्या कहते हैं, पी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12। तो हम क्यू इंटू 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, पी। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन गया, टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अगर वेक्टर रूल में, वेक्टर रूप में लिखना हो तो वेक्टर टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन आता है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, कॉस, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे वेक्टर में, ये वेक्टर में बताया जाता है आपको। अगर अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा निकाल सकते हैं। तो पी की परिभाषा, यदि हम ई को क्या मान लें, एक न्यूटन प्रति कूलम, तथा साइन थीटा को क्या मान लें, एक मान लें, तो अगर इसकी जगह एक और इसकी जगह एक रखेंगे तो टाउ किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। तो इस तरीके से एक परिभाषा ये जनरेट होता है। अगर दोस्तों लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं कि अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो जो द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव सदैव क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत ठहरता है। तो आप लिख सकते हैं इसकी भी परिभाषा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वह द्विध्रुव सदैव क्षेत्र के लंबवत ठहरता है। तो आप यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ से टोटल ये टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।